किसी ने क्या खूब कहा है, प्यार उससे करो जो तुमसे प्यार करे, खुद से भी ज़्यादा तुम पर एतबार करे। तुम बस एक बार कहो कि रुको दो पल, और वो उन दो पलों के लिए पूरी ज़िंदगी इंतज़ार करे। जी हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के भी राशिफल में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों का 29 मई दिन शनिवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीज़ों से सावधान रहना होगा, और कुंभ राशि वालों को आने वाले समय में वो कौन कौन सी बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ मिलने वाली है। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कुंभ राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आज का संपूर्ण राशिफल बताएंगे। अगर आपकी भी कुंभ राशि है तो वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों आज शनिवार है, शनिदेव महाराज का दिन है। कमेंट में जय शनिदेव महाराज अवश्य लिखना। और दोस्तों अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट करना ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों सबसे पहले आज आपको बताएंगे आज के चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। चाणक्य जी कहता है जन्म देने वाली माता के अलावा ये चार स्त्रियाँ भी होती है माँ समान। चाणक्य ने जन्म देने माँ के अलावा चार अन्य स्त्रियों को जिक्र किया है जिन्हें माँ के समान ही सम्मान दर्जा दिया जाता है। और वो बताते हैं कि संसार में जन्म देने माँ को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है क्योंकि एक माँ अपने बच्चों की खुशी के लिए अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार रहती है। एक बच्चा बचपन में सबसे ज़्यादा अपनी माँ के साथ ही बिताता है और वो माँ ही उसे वक्त बच्चे की पहली गुरु बनकर उसमें संस्कार रूपी बीज डालती है। आचार्य चाणक्य ने भी माँ को बहुत सम्मानीय बताया है, लेकिन उन्होंने जन्म देने माँ के अलावा चार अन्य स्त्रियों को जिक्र किया, उन्हें माँ के समान ही सम्मान देना चाहिए चाहा है। वे बताते हैं कि संसार में पाँच तरह की स्त्रियाँ माँ होती है, और आगे बताते हुए कि राजपत्नी, गुरुपत्नी, मित्र पत्नी तथा चा पत्नी माता, स्व माता, चा पंचयता, माता सुमिता, अर्थात प्रजा के पालन की जिम्मेदारी उस राज्य के राजा या शासक पर होती है। ऐसे में उस प्रजा के लिए राजा पिता का समान होता है और उनकी पत्नी माँ के समान होती है। हर व्यक्ति को राजा या शासक की पत्नी को माँ समान नहीं देखना चाहिए। दूसरा बताते हैं कि गुरु भी हर शिष्य को सही मार्ग दिखाता है, उसमें अच्छे संस्कार डालता है, इसलिए उसकी तुलना पिता से की जाती है। हर व्यक्ति को गुरु की पत्नी को अपनी माता के समान देखना चाहिए। तीसरा भी बताते हैं कि मित्र की पत्नी को भाभी कहा जाता है, भाभी को माँ का दर्जा दिया गया, इसलिए अपने मित्र की पत्नी को भी हर शख्स को माँ जैसा मानना चाहिए, इससे उस व्यक्ति का सम्मान बढ़ता है। चौथा भी बताते हैं कि पत्नी की माँ का दर्जा भी आपके खुद की जन्म देने वाली माता से कम नहीं होता, इसलिए उन्हें हमेशा अपनी माता के समान समझना चाहिए और पूरा मान सम्मान देना चाहिए। पाँचवा चाणक्य जी कहते हैं कि जन्म देने वाली माता को पाँचवीं माँ कहते हैं, वो माँ जिसकी वजह से आपका अस्तित्व है, वो जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जाने का मार्ग दिखाती है, ऐसी माँ पूजनीय है, उनका हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का चाणक्य नीति ज्ञान। अगर आपको आज का चाणक्य नीति ज्ञान पसंद आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो हमेशा की तरह एक लाइक ज़रूर कर देना। अब बात करते हैं दोस्तों आज के पंचांग के बारे में। दोस्तों आज 29 मई दिन शनिवार है, तिथि तृतीया है, नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा है और पक्ष कृष्ण पक्ष है, माह ज्येष्ठ है, सूर्योदय होगा 5:08 पर, सूर्यास्त होगा 6:43 पर। दोस्तों आज का शुभ समय है 11:28 से 12:23 पर। आज का शुभ समय है 5:08 से 6:02 पर। दोस्तों आज कुंभ राशि वालों का लकी नंबर है 7। अब बात करते हैं दोस्तों आज के कुंभ राशि फल के बारे में, कैसा रहेगा आज कुंभ राशि वालों का दिन, आइए जानते हैं। कुंभ राशि वालों, यह बात की संभावना है कि कोई आपके आसपास आपके विचार चुरा कर आने करियर में प्रगति करना चाहता है, इसलिए किसी से बात करते हुए सावधान रहें। आपको इस समय बड़ी गंभीरता से अपने हित के बारे में सोचना है। अपने लंबे सहकर्मी रह चुके लोगों के साथ भी अपनी जानकारियां साझा ना करें, इस दौरान धीरज से काम लेंगे तो जल्दी ही अपने शुभ चिंतकों को भी पहचान जाएंगे। इससे पहले कि आप खुद पर अपने नए एक्सरसाइज कार्यक्रम या डाइट को लेकर अधिक शक्ति बरते हैं, पहले यह सुनिश्चित कर लें कि जो आप करने जा रहे हैं वह आपके लिए ज़रूरी भी है या नहीं। हो सकता है कि किसी और के तय किए गए पैमानों के अनुसार कार्य करना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित ना हो। अब समय आ गया है कि और किसी के कहने पर चलने की बजाय आप खुद अपनी ज़रूरतों और अपने व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए अपना कार्यक्रम बनाएं। आज आप अपने साथी के बारे में कुछ नया जान सकते हैं और इस नई जानकारी की वजह से आपको एक बड़ा आश्चर्य हो सकता है, लेकिन यह एक सुखद आश्चर्य है। वास्तव में इस नई जानकारी के कारण रिश्ते में आ रही समस्या और भ्रामक मुद्दों को आप हल कर सकते हैं। इस स्थिति का लाभ लें और अपने साथी के साथ प्रेम से दिन बिताएं। आप सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी प्रगति रुक सकती है अगर आपके किसी भी गैजेट या कुछ रचनात्मक वस्तु का उत्पादन किया है तो उसे जल्द से जल्द उस पर कानूनी एकाधिकार करवा लें। लोग ये साबित करने की कोशिश कर सकते हैं कि ये वस्तु उन्हीं की है, हालांकि वास्तविकता में वे शायद ही कोई भी उत्पाद की एक प्रतिकृति के निर्माण में आपके करीब आ सकते हैं।
कुंभ राशि वालों, आज आप मजबूती और धैर्य से काम लेंगे। दिन भर पैसों के बारे में ही सोचते रहेंगे। भूमि और प्रॉपर्टी के कामों में भी लाभ होगा। कोई नया काम करने की सोच रहे हैं तो आपके सामने कुछ और काम आ सकते हैं। रोजमर्रा के काम का ज़्यादा ही रहेंगे, थोड़े समय में सब ठीक हो जाएगा। धैर्य रखें, ऑफिस में अपनी प्रगति के बारे में विचार करेंगे। आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ नया सीखना होगा। सेहत संबंधी मामलों में भी आपकी चिंता बनी रहेगी। आज आपको कोई विवाह का प्रस्ताव आ सकता है जिससे आपके घर वालों की मदद भी मिलेगी। आज आप और आपका जीवन साथी भविष्य में किसी निवेश की प्लानिंग बना सकती है। नौकरी में तरक्की भी मिल सकती है। तो दोस्तों, ये था आज का कुंभ राशि का राशिफल। रोज़ की कुंभ राशिफल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लो ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। आपका दिन मंगलमय हो दोस्तों। राधे कृष्णा।